गोरखपुर जिले में बृहस्पतिवार को यहां शहरी क्षेत्र में कोरोना का मात्र एक एक मरीज कैंट और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बास गांव और पिपरौली में एक एक मरीज मिला है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 21,462 हो गई है। इनमें 365 लोगों की मौत हो चुकी है, 1,079 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस महज 18 रह गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोरोना के मरीज अब बेहद कम हो चुके हैं। इसके बाद भी लगातार जांच कराई जा रही है, जल्द ही जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।